सिंह बाठ, पूर्व में मैं आम आदमी पार्टी हिमाचल प्रदेश के सह प्रभारी के तौर पर काम कर रहा था और पूर्व में मैं दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का कार्यकारी अध्यक्ष रहा हूँ। मेरा पैतृक गांव नैना देवी तहसील में मजारी गांव से मेरा संबंध है और काफ़ी लंबा समय मैं दिल्ली में रहता था और अभी मैं यहाँ शिफ्ट हुआ हूँ पंजाब में मोहाली में। तो आम आदमी पार्टी की कथनी और करनी में बड़े फर्क को देखते हुए मैंने आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का निर्णय लिया है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी ने सबसे पहले दिल्ली की जनता को जिस प्रकार से ठगा, झूठे वायदे करके, उसके बाद पंजाब के लोग जो मार्शल कौम है, पंजाब के लोगों ने देश की आज़ादी में बड़ा योगदान डाला, भावुक होकर के वहाँ के लोगों को उसी तरह दिल्ली की तर्ज पर लुभावने जो वादे करे उनको ठगा गया। और आपने देखा होगा कि पिछले समय में कथनी और करनी के दो उदाहरण केवल मैं आपको देना चाहता हूँ कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी, जिन्होंने खुद ये बात मीडिया में कही कि मुझे, मेरे पास मेरे कैबिनेट मंत्री विजय इंद्र सिंगला जो हैं उनकी ऑडियो और वीडियो है कि किस तरीके वो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। उन्होंने तुरंत अपनी माइलेज लेने के लिए वाह वाह जो झूठी वो कमाने के लिए उनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त करा, लेकिन हैरानी की बात है कि उसके बाद में आज तक वो पार्टी में उसी तरीके से काम कर रहे हैं। तो किस तरीके उन्होंने पंजाब की जनता को मूर्ख बनाया, पहली बात। और दूसरा उदाहरण, दूसरे कैबिनेट मंत्री फौजा सिंह सरारी, जो कथित रूप से भ्रष्टाचार में एक आडियो के तहत लिप्त पाए गए कि किस तरीके से उन्होंने प्लानिंग करी कि कैसे डिपार्टमेंट से पैसा लिया जाए, और आज तक कोई डेढ़ महीना बीतने के बाद में भी अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान जो है वो चुप्पी साधे हुए हैं। इससे स्पष्ट है कि आम आदमी पार्टी की कथनी और करनी में बड़ा अंतर है। और माननीय नरेंद्र मोदी जी की नीतियों में विश्वास करते हुए आज मैंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करा।